दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम में वापसी के साथ ही रातों रात वेस्टइंडीज पहुंचे तीन खूंखार खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाने वाली है। ऐसे में इन वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के अंदर तीन भूखे शेरों की एंट्री रातों रात हो चुकी है। इन तीनों महान खिलाड़ियों को रातों रात वेस्टइंडीज के लिए रवाना भी कर दिया गया है। तो आखिरकार भारत और वेस्टइंडीज के बीच किन वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले रातों रात किन तीन खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के लिए रवाना कर दिया गया है, यह तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन में कौन है बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर भारतीय टीम को 1-0 से जीत मिल गई है, जिसके बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 जुलाई से वनडे सीरीज बारबाडोस में खेलने वाली है। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी दौरान भारतीय टीम में रातों रात तीन खूंखार खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिनके आ जाने से भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो वहीं विरोधी टीम की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल भारतीय टीम के अंदर एंट्री करने वाले तीन खिलाड़ियों में ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल ऋषभ पंत का नए साल की शुरुआत में कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते लंबे समय से वह क्रिकेट से दूर है। ऐसे में अब उनकी रिकवरी काफी तेजी से हो रही है और बीसीसीआई के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पता चल गया है कि वह जल्द भारतीय टीम में वापसी करने वाले हैं। ऐसे में उनकी एंट्री वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर हैं। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर आईपीएल से पहले चोट के चलते बाहर हो चुके थे। ऐसे में अब उनकी एंट्री भारतीय टीम में होती हुई दिखाई दे रही है और वेस्टइंडीज के खिलाफ इनको भी टीम में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं अंतिम खिलाड़ी भारतीय टीम के महान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जो पिछले साल एशिया कप से बाहर हैं। ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह भी जल्द वापसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और तीनों खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के अंदर भारतीय टीम में रातों रात शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज का वनडे सीरीज में हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।